तीन उदाहरण देना चाहता हूँ हिस्ट्री के इस देश की गांधी जी बहुत धीमी-धीमी बोलते थे किसी को कुछ नहीं समझ में आता था और तब लाउड स्पीकर और ये सब भी नहीं होते थे। पर जो लोग थे पूरे देश के मूव हो जाते थे दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ मोहम्मद अली जिन्ना का मोहम्मद अली जिन्ना ना कल मतलब कल्चरली कोई चीज़ें वो नहीं करते थे जो इस्लाम वो तो में सूट -बूट की सरकार तो उनकी होती और उनका सब पहनावा न वो उर्दू में बोलते थे अंग्रेजी में ही बोलते थे और भाषण भी उनके अंग्रेजी में होते थे उनको उर्दू आती भी नहीं थी पर आ, मुझे मधु दंडवते जी ने एक बार बताया कि मैं उनका भाषण सुनने गया अंग्रेजी में तो वो बोलते थे तो मैं वहाँ पर ये जो शिवाजी पार्क में बहुत बड़ी भीड़ जुटी हुई थी और सब कहा कि दाढ़ी और मौलाना लोग पूरा <laughs> एकदम ओवर फ्लोइंग था शिवाजी पार्क उस दौर में शिवाजी पार्क ओवर फ्लोइंग था तो जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि इज द प्रेस तो <laughs> जिना का ये था तो उनके जो आयोजक लोगों ने कहा कि लोग आ गए हैं पर भीड़ देखिए कितनी का आई हैव कम टू टॉक टू द इंटरनेशनल प्रेस एंड द मीडिया एंड थ्रू देम टू द दर नेशन नॉट जस्ट टू दो पीपल वेयर तो वो जो है मतलब वो देखिए मीडिया का संचार का बहुत बड़ा रोल रोल्स नो अब लाइक हिमंता बिश्व शर्मा तेलंगाना When he goes to Andhra Pradesh, he goes mm -hmm. to Telangana. Mm -hmm. Ab, people know him because of the media, right? Mm -hmm. He's he's mm -hmm. not traveled those places and exactly. all that. And mm -hmm. he was with the Congress. It's mm -hmm. only lately that he's gone to the BJP. But his. Uh, so, you know, this is working to this communication boom that has happened in India.

सेड अबाउट जिन्ना इवन महात्मा गांधी वॉज वेरी पर्टिकुलर की कौन सी प्रेस कब खड़ी है ब्रिटिश प्रेस हैनी है अमेरिकन प्रेस हैनी है इट विल गो देर फॉर अ राइट पर्पज दो राइट वो इंपॉर्टेंट है कि अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूते के फीते बांध रहे हैं तो फ्रंट पेज पे छपेगा नहीं छपेगा बट ही हीस द मीडिया इज टोटली अगेंस्ट आई डोंट डों विच मीडिया आई गो टू थ्री डिबेट सब में कांग्रेस का आदमी होता है उसको भी उतना टाइम मिलता है एक इधर का आदमी होता है उधर का आदमी होता है सभी बोलते हैं बट अगेन ये थिंक ये बन गया है दिस स्कूल की मीडिया मेरे अगेंस्ट है तो विक्टिम कार्ड खेलने में शायद क्योंकि ही दिस इज एट एवरी ड्यूरिंग द ये भी होता है दैट द बीजेपी सेज दैट कि पद यात्रा कहने को जोड़ने के लिए है लेकिन बार बार अगर आप रिपीट करते हैं कि जो यू नो ऑल द द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैव फेल्ड हैव कोलैप्स्ड एंड हैव बीन मनीपुलेटड तो आप और तोड़ने का काम करते हैं जोड़ने का काम नहीं करते हैं डू यू थिंक दैट द बीजेपी इज़ ओवर स्टेपिंग इन इट्स यू नो फियर दैट राहुल गांधी इज़ डूइंग दिस एट डाउट इज अ फियर दे अंडरस्टैंड वाट्स राहुल गांधी कपैसिटी एंड वो किन स्टेट्स में जा रहे हैं जहाँ बीजेपी का कर्नाटका को छोड़ के कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है आई थिंक कांग्रेस इज ट्राइंग कि हम अपनी सत्तर अस्सी सीट ले आए द स्टेट्स वेयर वी वर पावरफुल मे बी तमिलनाडु में हम बड़ा प्लेयर बन रहा है केरला में विल कम बैक टू पावर एटलीस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट ज्यादा जीत लें सो देट एटलीस्ट वी विल कम टू सम इंटरेस्टिंग नंबर दैस वाई ही इज़ नॉट इवन चार्टिंग आउट टू द स्टेट्स वेयर जहाँ उनकी प्रजेंसी नहीं है उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है उसको क्यों छोड़ गया कोई बट दे नो कि कितना भी हाथ पैर मार लें उसमें वो एक दो सीट भी अगर वो रिटर्न रख लें अपनी रायबरेली या अमेठी की वही बहुत बड़ी बात है सो आई थिंक इट्स गुड फॉर राहुल गांधी कि वो अपने स्टेट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं सो दैट दे कैन कम टू सम रिस्पेक्टेबल नंबर इसको बुला सकें ओके आई एम द अम्ब्रेला कम एंड गैदर अंडर दिस आई थिंक दैट्स द अटेम्प्ट एंड विच इज पार्टली गेटिंग फुलफिल्ड डू फुलफिल्ड्री देखिए मैं तो मानता हूँ कि उनका पदयात्रा करने का जो मकसद है उससे कितना वो राजनीति को प्रभावित करेंगे ये इतिहास और समय बताएगा आ, पर मैं ये मानता हूँ कि, कि इस प्रकार के प्रयोग से उनका पूरे एक देश में फैलने का जो उनका और जैसा मैंने कहा कि संचार तो बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है और लोग सोशल मीडिया में भी उनको देख रहे हैं सोशल मीडिया अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बराबर एक हैसियत बनाने की उसकी स्थिति हो गई है और इसके साथ साथ और जो बाक़ी YouTube है वगैरह वगैरह तमाम और साधन उपलब्ध हैं तो उससे वो पहुंच जाएंगे पूरे देश के अंदर और दुनिया में भी लोग इसको देख रहे हैं तो वो पहुंचेंगे पर चुनाव के परिणाम को कितना प्रभावित करेंगे ये मुझे इस पर बड़ा शंका है ये मैं अभी से कुछ कह भी नहीं सकता हूँ